हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 लेसन्स आई लर्नड इन माय ड्रॉप ईयर्स। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मेरा 2 ड्रॉप के बाद सिलेक्शन हुआ है, एंड दीज 2 ईयर्स हैव टॉट मी सो मेनी थिंग्स। आज हम ऐसी 10 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। So the first point is ensure selection before the rank. कितनी बार हम सोचते हैं कि मुझे तो ना 700 मार्क्स ही लाने हैं, मुझे तो ना बहुत अच्छी रैंक लानी है, सिंपल सिलेक्शन तो मुझे चाहिए ही नहीं है। मेरे साथ ये सेम चीज़ हुई थी मेरे फर्स्ट जॉब में। मैं सोचती थी कि मुझे तो रैंक ही चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छी रैंक चाहिए, और उस चक्कर में मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। नंबर 2, डोंट गिल्ट ट्रिप योरसेल्फ। अगर हमारा एक दिन वेस्ट हो जाता है तो हम उस चक्कर में आगे के 2 दिन और वेस्ट कर देते हैं उसकी ओवर थिंकिंग में। इसका मैंने ये सोल्यूशन निकाला था कि अगर मेरा एक दिन वेस्ट हो जाता था ना, तो मैं उसे एज अ रेस्ट डे देखती थी, और अगले दिन मैं सोचती थी कि आज मैं इतनी पढ़ाई करूँगी ना कि मैं 2 दिन का काम आज ही कर देने वाली हूँ। नंबर 3, मेंटल बैरियर्स। लेट्स सपोज हमने सुबह एक टू डू लिस्ट बनाई और किसी भी वजह से हमारा हाफ डे वेस्ट हो गया, तो अब हम इस सोच में कि अब तो ये कंप्लीट हो ही नहीं सकती टू डू लिस्ट, हम सेकेंड हाफ ऑफ द डे को भी वेस्ट कर देते हैं और हम पढ़ते ही नहीं है। बट मैंने अपनी सेकेंड ड्रॉप में क्या चीज़ नोटिस की कि मैं ये सोचती थी कि निकिता छोड़, जितना होएगा ना, जितना टाइम बचा है ना, हम उतने टाइम में ना ये टू डू लिस्ट में जितना काम होता है हम उतना करने की कोशिश करते हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई रियलाइज्ड कि मैं वो पूरी टू डू लिस्ट हाफ डे में भी कंप्लीट कर देती थी। तो योर बैरियर्स आर जस्ट ओवर हियर। अगर अपने अपने माइंड को बोलोगे कि मुझे ये चीज़ आज शाम तक कंप्लीट करनी ही है, नो मैटर व्हाट, आपकी वो चीज़ कंप्लीट होके ही रहेगी। नंबर 4, फोकस ऑन द नीड डे, नॉट ऑन द रिजल्ट डे। रादर देन थिंकिंग कि यार रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट में क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट वाले दिन पे अच्छा आएगा तो क्या सिनेरियो होगा घर पे, बुरा आएगा तो क्या सिनेरियो होगा घर पे, ये सब सोचने की बजाय अगर हम नीट वाले डे पे फोकस करें कि मुझे इस दिन को बहुत अच्छा बनाना है, इस दिन पे मुझे ऐसे होना चाहिए कि सारे जो क्वेश्चंस है मेरे देखे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, मेरे फटाफट टिक हो रहे हैं, उस माइंडसेट से तैयारी करनी है कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हम अपनी लाइफ का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, हम एक सिंपल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें हमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, रादर देन कि रिजल्ट वाले दिन पे क्या होने वाला है। नंबर 5, हार्ड वर्क ड्रीम। ये मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जब मेरे फर्स्ट ड्रॉप का लास्ट मंथ था नीट से पहले। तो मैं सोचती थी कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, उस चक्कर में ना मेरी प्रोडक्टिविटी ना बहुत डिक्लाइन हो गई थी। मतलब जिस एंथुजियाज्म से मैं पहले पढ़ती थी उससे मैं पढ़ नहीं पा रही थी। तो क्योंकि मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली यही चलता था कि वट इफ़ आई डोंट गेट सेलेक्टेड, ऑल ऑफ माई हार्ड वर्क इज गोइंग टू गेट वेस्टेड। और ये कितना डिस्टर्बिंग थॉट है, आप ये देखो कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारी हार्ड वर्क वेस्ट ना हो जाए, इसलिए हम हार्ड वर्क कर ही नहीं रहे। वजह से मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक नीट एस्पिरेंट के लिए। मैंने जितनी भी मेहनत फर्स्ट ड्रॉप में की थी वो सारी मेहनत मेरी सेकेंड ड्रॉप में काम आई। मुझे फर्स्ट ड्रॉप में उसका रिजल्ट नहीं मिला था, बट उसका फ्रूट जो मुझे सेकेंड ड्रॉप में मिला है, जो मेरी इतनी स्मूथ प्रिपरेशन चली है, मतलब मुझे पता भी नहीं चला मेरा सेकेंड ड्रॉप कब निकला है, जस्ट बिकॉज कि मैंने फर्स्ट ड्रॉप में बहुत हार्ड वर्क किया था। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर मैं मेहनत करूँगा सो वट इफ़ इट गेट वेस्टेड, योर हार्ड वर्क नेवर गेट्स वेस्टेड। नंबर 6, नीट इज़ नॉट योर लाइफ। मैं मानती हूँ कि एक नीट एस्पिरेंट के लिए नीट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे व्यू इट एज देयर लाइफ कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है नो मैटर वॉट, बट नॉट एट योर लाइफ सेक। आप उसे खुद से ऊपर मत रखो। आप ये मत सोचो कि अगर मैं पेपर नहीं क्लियर कर पाया सो इट्स नॉट वर्थ लिविंग। इट इज़ वर्थ लिविंग। देर आर सो मैनी अदर थिंग्स यू कैन डू, देर आर सो मैनी अदर ऑप्शंस। द ऑप्शंस तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, करियर ऑप्शंस ख़त्म नहीं होते, देर आर एंडलेस ऑप्शंस। तो उसे माइंड में प्रेशर लेके मत करो कि मुझे तो पेपर क्लियर करना है, अगर ये नहीं हुआ सो आई एम नॉट वर्थ इट, मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अगर आप ये सोचोगे, अगर आप अपने माइंड को नेगेटिविटी फीड करोगे तो बाहर निकल के भी नेगेटिविटी ही आएगी, बाहर निकल के भी नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा। तो हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव रखना है कि ओके, मेरा अच्छी बात है, मैं नीट के लिए बहुत मेहनत से प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट अगर नहीं भी होता है इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप अपने दिमाग को ये बना दोगे ना कि इट्स वेरी बिग डील, तो आपको एंग्जाइटी होने लग जाएगी,
जैसे कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में होती थी, मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, इस वजह से मैंने अपना पेपर भी ख़राब कर लिया था, क्योंकि मैं ये सोचती थी कि यार पेपर तो निकलना ही चाहिए, मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, और नहीं हुआ तो मेरी तो लाइफ ख़राब हो जाएगी, कोई करियर ऑप्शन ही नहीं है। पर ये धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आपका नीट में फॉर एग्जांपल सिलेक्शन हो भी जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको तो आप राजा बन गए हो और आपको गद्दी पे बिठा देंगे और पैसे की बारिश होगी, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो दोनों ही सिचुएशंस में बहुत न्यूट्रल रहने की ज़रूरत होती है। नंबर 7, इन्जॉय द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। मैं जितनी खुश अब हूँ पेपर क्लियर करने के बाद, मैं उतनी ही खुश प्रिपेयर करते हुए भी थी। मैं हर एक चैप्टर करने के बाद बहुत खुश होती थी, हर एक टेस्ट में अगर मेरे अच्छे मार्क्स आते थे तो मैं बहुत खुश होती थी, अगर मेरे नहीं भी अच्छे मार्क्स आते थे तो भी मैं खुशी रहती थी। ऐसा नहीं कि मैं रोने लग जाती थी और बहुत दुखी रहती थी। अगर आप जर्नी से प्यार नहीं कर रहे हो तो वो जर्नी आपको रिटर्न में कुछ नहीं देने वाली। अगर आप चिड़चिड़ करके दुखी हो के कि पढ़ना ही है पढ़ना है, और मन से नहीं पढ़ रहे हो, खुश होके नहीं पढ़ रहे हो, अपने दिल से नहीं पढ़ रहे हो, तो वो आपको एट द एंड रिज़ल्ट नहीं देने वाली यार। वो मैंने किसी की बात सुनी थी कि हम यहाँ से कहीं जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, और हमारे दिमाग में यही चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम शिमला जा रहे हैं कि हमें शिमला जाना है, अरे यार शिमला जाना है, बस में बैठना है, शिमला जाना है, वहाँ जाके होटल लेना है, वहाँ जाके ये करना है, वहाँ जाके वो करना है, बट हम रास्ते में पहाड़ों के मज़े ही नहीं ले रहे हैं, वहाँ पे ढाबा आ रहा है, हम खाना ही नहीं खा रहे हैं। तो जर्नी को इन्जॉय करो, आपको ये जर्नी हमेशा याद रहने वाली है। नो मैटर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब तो याद रहेगी, बट अगर नहीं होता है तो अगर आप खुश नहीं थे ना तो आपको बहुत ट्रॉमा देके जाएगी, बट अगर आप खुश थे इट विल बी अ लेसन फॉर यू। नंबर 8, टॉपर्स एडवाइस। मैं कोई टॉपर की वीडियो देख रही हूँ तो कोई ये कह देता कि ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई टीचर ये कह देता कि ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ी तो मेरे दिमाग में वो घर कर जाती थी कि मैंने तो ये नहीं पढ़ी तो मेरा तो सिलेक्शन कैसे होगा यार, मैं तो नहीं कर पाऊँगी। और मेरा फर्स्ट जॉब में हुआ भी नहीं, क्योंकि मैं यही सब सोचती रहती थी कि मैंने तो ये चीज़ नहीं पढ़ी, मेरे तो ये रहता है, मैंने तो ये चीज़ नहीं पढ़ी, जब मैंने 100% सिलेबस किया ही नहीं तो यार मेरा सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। मेरे सेकेंड जॉब में मैंने एग्जैक्टली सेम चीज़ें पढ़ी, सेम रिसोर्सेज यूज़ किए, कोई जो टॉपर बताते थे कि ये चीज़ पढ़ लो वो चीज़ पढ़ लो, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी। शॉर्ट नोट्स बना लो, मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मैंने इनऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ अपने नोट्स पढ़े थे, और भी इतनी चीज़ें जो कि टिपिकल टॉपर्स जो बताते हैं, मैंने वो कोई चीज़ नहीं करी, बट फिर भी मेरा नीट में सिलेक्शन हो गया, जस्ट बिकॉज मैंने उन सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दिया था कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है, जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है और मेरा उसी से सिलेक्शन होने वाला है। नंबर 9, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरे फर्स्ट ड्रॉप में मैं ऐसा सोचती थी कि यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, इवन तो मैंने बहुत मेहनत की थी, इवन तो मैंने इतनी पढ़ाई की थी जितनी मैंने अपनी पूरी लाइफ में इकट्ठे नहीं की होगी, बट मेरे सिर्फ इस माइंडसेट से कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सेकेंड ड्रॉप में मैं हर रोज़ जब भी रात को सोने से पहले मैं हमेशा ये सोच के जाती थी कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है, बस एक दो महीने और, एक महीने और उसके बाद मेरा सिलेक्शन होने वाला है, मेरा 100% सिलेक्शन होने वाला है। मेरे दिमाग में हमेशा बस यही चलता था कि मेरा सिलेक्शन 100% होने वाला है, कोई भी मेरे सिलेक्शन को नहीं रोक सकता। कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से थोड़े कम मार्क्स रह गए, बट स्टिल गॉट द सिलेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंडसेट। फाइनल पॉइंट नंबर 10, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। मैंने अपने फर्स्ट ड्रॉप में बिल्कुल भी कोई अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं रखा, सुबह सुबह 4 बजे उठती थी, 4 बजे उठ के पढ़ाई की और पूरा दिन बस लगी रहती थी, कोई बाहर नहीं जाना, दोस्तों से नहीं बात करनी, पार्क में घूमने नहीं जाना, बस एक जगह पर बस बैठी रहती थी और पढ़ती रहती थी। बट मैंने अपनी सेकेंड ड्रॉप में योगा स्टार्ट किया, मेडिटेशन स्टार्ट किया, जिससे मेरी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हुई, मेरा कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव हुआ, एंग्जाइटी कम हो गई, आई वॉज ओवरऑल इन अ वेरी गुड हेड स्पेस विच इन माई ओपिनियन लेट मी टू क्लियर द पेपर। जो ये सारी चीज़ें हैं ना, जैसे कि हमारी डाइट है, अच्छा खाना खाओ, बाहर का कम खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, योगा करो, मेडिटेशन करो, जब आप ओवरऑल फिट हो गए तो आपका दिमाग डबल स्पीड पे चलेगा, ट्रस्ट मी। आई होप आप इसमें से कुछ एक चीज़ लेके जाओगे जो कि आप अपने रूटीन में इंक्लूड करोगे, या जिससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में। अगर आपको ऐसी वीडियो अगर और चाहिए तो मुझे बता देना, क्योंकि
मैं ऐसी बंदी हूँ कि मैं बैठ के ना एनालाइज करती रहती हूँ, अच्छा मैंने इसमें ये गलती करी तो मैंने ये इम्प्रूव किया, इसमें ये चीज़ गलत की तो इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये चीज़ की तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं ना बैठ के बहुत एनालाइज करती रहती हूँ। ये तो सिर्फ 10 चीज़ें थी, बट ऐसी इतनी सारी चीज़ें हैं एक वीडियो में मैं डालना नहीं चाहती क्योंकि फिर वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो तो। और अगर कोई डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।